रोजाना ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक न्यूज़ को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स। लेवी एनकाउंटर, 50 नक्सलियों से भिड़ गया सीआरपीएफ का ये कुब्रा कमांडो, रोंगटे खड़े कर देने वाली है पूरी स्टोरी। सीकर 23 नवंबर 2016 की सुबह का सूरज उगने को है। हम नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन पर झारखंड के लातेहार जिले के गांव करमडीह में हैं। नक्सलवादियों को हमारी गतिविधि की भनक लग जाती है। वो करीब 50 की संख्या में नदी किनारे घात लगाकर बैठे हैं। नदी करीब 200 मीटर चौड़ी है, जिसमें 100 मीटर मिट्टी के बाद बर्फ से ठंडे पानी का तेज बहाव है। सीआरपीएफ की कमांडो फोर्स की विशेष कुबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ के नेतृत्व में 17 जवानों की टुकड़ी नदी की तरफ बढ़ रही है। इस टुकड़ी के 3 जवान जो नेविगेटर की भूमिका में है, सबसे आगे चल रहे हैं। वो जैसे ही जंगल से निकलकर नदी के खुले मिट्टी वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो सामने घात लगाकर छिपे बैठे नक्सली हमला कर देते हैं। 3 जवान दुश्मन की भयंकर गोलीबारी के बीच फंस जाते हैं। उनकी जान पर बन आती है। उनके पास बाहर निकलने का कोई भी विकल्प नहीं बचता है। साथियों को बचाने व नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ नक्सलियों पर काउंटर अटैक करने का फैसला लेते हैं। तय करते हैं कि नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए विकास जाखड़ अपनी टीम के साथ तुरंत रणनीति बनाते हैं और नक्सली जिस तरफ से फायर कर रहे होते हैं उन्हीं की तरफ जाकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच बिना जान की परवाह किए अपने साथियों को लेकर हाड़कंपा देने वाले ठंडे पानी के गहरे बहाव में कूद जाते हैं और दुश्मन की पोजीशन को कब्जे में ले लेते हैं। इस बीच नक्सली इनकी पोजीशन पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे अपने आप को बचते हुए त्वरित कार्रवाई करके उस नक्सली को मार गिराया जाता है। कोबरा की इस टुकड़ी का ये हौसला देख नक्सली भाग खड़े होते हैं। करीब 1.25 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में न केवल सीआरपीएफ के 3 जवानों की जान बचाई गई बल्कि 7 नक्सलियों को भी ढेर किया गया। कुबरा सीआरपीएफ की टीम ने मौके से 6 नक्सलियों के शव बरामद किए। वहीं एक शव नक्सली अपने साथ लेकर भाग गए। 23 अप्रैल की शाम को मिलेगा शौर्य चक्र। विकाश जाखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के जाखड़ो कबास के रहने वाले हैं। वर्तमान में विकास जाखड़ झुंझुनू जिला मुख्यालय की इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं। वर्ष 2010 की परीक्षा उत्तीर्ण कर विकास जाखड़ ने 2013 में सीआरपीएफ ज्वाइन की। 23 नवंबर 2016 के इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने पर 26 जनवरी 2017 को शौर्य चक्र देने की घोषणा हुई। 23 अप्रैल 2018 की शाम को 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में विकास जाखड़ को राष्ट्रपति शौर्य चक्र प्रदान करेंगे। इस उपलब्धि पर राजस्थान सरकार 8.5 लाख रुपए एवं 25 बीघा पक्की सिंचित जमीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर इनाम स्वरूप देती है।